कश्मीर घाटी में हालात आहिस्ता आहिस्ता सामान्य होने लगे हैं। करीब दो महीने से ज्यादा की बंदी के बाद घाटी के स्कूल कॉलेजों में आज चहल पहल दिखी। सुबह से ही स्कूलों और कॉलेजों में प्रोफेसर और टीचरों का आना जाना लगा रहा, लेकिन छात्रों की उपस्थिति पहले के मुताबिक कम दर्ज हुई। करीबन दो महीने से ज्यादा अरसे के बाद आज कश्मीर घाटी में मोस्टली जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनको खोल दिया गया है। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वो श्रीनगर के बीचों बीच एसपी कॉलेज है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही छात्र जो है यहाँ पर आने शुरू हुए हैं। हालांकि अटेंडेंस जो है कुछ कम रही है, लेकिन फिर भी जो छात्र यहाँ पर आए हैं जिन्होंने या तो असाइनमेंट सबमिट करने थे या क्लासेस अटेंड करनी थी, उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि एक आम स्टूडेंट की जो है स्टडीज़ वो सफ़र हो रही है, क्योंकि जब भी हालात कश्मीर घाटी में ख़राब होते हैं तो मुस्तकबिल जो है आम स्टूडेंट का ही जो छात्र होता है उस पर ही असर पड़ता है। छात्रों की शिकायत है कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बहाल न होने की वजह से बच्चों को अपने स्कूल कॉलेजों तक पहुंचने में मुश्किल पेश आ रही है, और जब तक आने जाने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती कई अभिभावक उन्हें घर से बाहर भेजने में हिचकते रहेंगे। स्कूल कॉलेज तो बच्चे तभी जाएंगे जब ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगी। कोई मेरे माँ बाप है वो मेरे को ऐसे कॉलेज नहीं जाने देंगे, पता नहीं किसी जगह कुछ हो गया, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। घर वाले तो घबरा ही जाते हैं, जब तक कम्युनिकेशन नहीं खुलेंगे और पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं खुल जाएगा तब तक तो स्कूल कॉलेज मेरे को नहीं लगता है अपने पेरेंट्स बच्चे को अलाउ करेंगे कॉलेज स्कूल जाना। छात्रों के लिए दिक्कत ये है कि कम्युनिकेशन व्यवस्था अभी तक ठप है, बाहर निकलने पर घर वालों से उनका संपर्क नहीं हो पाता। हालांकि कश्मीरी छात्रों के लिए ऐसी मुश्किलें नई नहीं है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से कश्मीरी छात्रों में स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी को फिर से खोल दिया गया है। सरकार ने शिक्षक संस्थानों को सामान्य रूप से अपना काम काज करने का निर्देश जारी किया है। भारी तादाद में वहां सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है ताकि गड़बड़ी फैलाने वाले अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इम्तिहान अपने वक्त पर होंगे, और ऐसे में चुनौतियां सिलेबस को कंप्लीट करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।